हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नेम है द वोयेज ऑफ लाइफ। वोयेज का मतलब है जल यात्रा, या फिर सिर्फ यात्रा भी बोल सकते हैं। तो पूरा जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब है जिंदगी की यात्रा। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The Voyage of Life, which was painted by Thomas Cole in 1842, जो वोएज ऑफ लाइफ है वो थॉमस कोल की पेंटिंग्स हैं, जो कि उन्होंने 1842 में पेंट करी थी। इट इज अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, ये एक पेंटिंग्स की सीरीज है। दैट रिप्रेजेंट द फोर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ की चारों जो स्टेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो वो जो चारों स्टेजेस हैं वो हैं चाइल्डहुड, यूथ, मैनहुड एंड ओल्ड एज। इन द फर्स्ट पेंटिंग चाइल्डहुड, ऑल द इम्पोर्टेंट स्टोरी एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज आर इंट्रोड्यूस्ड। तो जो पहला पेंटिंग है जो कि चाइल्डहुड है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट स्टोरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सीरीज के, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया है। कौन कौन से वो स्टोरी एलिमेंट्स हैं, वो हैं द वोएजर, मतलब एक नाविक है, द एंजल, एक एंजल या देवदूत है, द रिवर एंड द एक्सप्रेसिव लैंडस्केप, और रिवर है और एक बहुत अर्थपूर्ण जो लैंडस्केप होता है, जो दृश्य है या नजारा है वो है। एन इन्फेंट इन अ बोट इज सेफ्टी गाइडेड बाय एन एंजल, जो एक इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा है जो बोट में, वो बहुत सेफ्टी के साथ उसको एक एंजल या जो एक जो देवदूत है वो गाइड कर रहा है। द लैंडस्केप इज लश, जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से हरा भरा है। एवरीथिंग इज काम एंड द चाइल्ड इज बास्किंग इन वार्म सनशाइन, सब चीज जो है वो बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है। और जो छोटा बच्चा है, जो चाइल्ड है, इज बास्किंग। बास्किंग का मतलब होता है कि आनंद लेना, ठीक है। वो किसका आनंद ले रहा है, वार्म जो गर्म सनशाइन, सूरज की जो धूप आ रही है उसका आनंद ले रहा है। रिफ्लेक्टिंग द इनोसेंस एंड द जॉय ऑफ द चाइल्डहुड, ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि जो चाइल्डहुड जो होता है वो कितना ज्यादा मासूम होता है और कितना आनंद से भरा हुआ होता है। द बोट ग्लाइडेड आउट ऑफ अ डार्क, जो बोट है वो फिसलती है, ठीक है, कहाँ से, बहुत अंधेरी जगह से। रॉक केव, रॉक का बना हुआ एक केव है, गुफा है, वहां से वो फिसलती है। विच इज सिम्बॉलिक ऑफ आर अर्ली ओरिजिन, जो हमारी जो सांसारिक उत्पत्ति है उसका प्रतीक है, ठीक है। एंड द मिस्टीरियस पास्ट, और जिस पास्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं उस पास्ट के बारे में या उस पास्ट को दर्शाती है। द रिवर इज स्मूथ एंड नैरो, जो रिवर जो है वो स्मूथ है, बिल्कुल शांत है और नैरो है। सिम्बलाइजिंग द शेल्टर्ड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, जो सिंबलाइज, जो प्रतीक है किस चीज का, क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई दुख कोई चिंता कुछ नहीं होता। तो वो जो रिवर है, जो स्मूथ और नैरो जो रिवर है, वो उसको सिंबलाइज कर रही है, उसका प्रतीक है। द आवर ग्लास रिप्रेजेंट टाइम, और जो पिक्चर में जो आवर ग्लास है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, जो चाइल्डहुड है, उसके बारे में जो राइटर है उन्होंने ये सब चीज बताया है। ओके, तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो 3 स्टेजेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।